दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष। उपलब्ध करून देण्यात आला आहे। तसेच दिनांक 30/7/2022 रोजी सकाळी 9 वाजता रेल्वे रूळ टाकण्याचे काम सुरू करण्यात येणार असून हे काम दिनांक 1/8/2022 रोजी पूर्ण करून सकाळी 9 वाजता रहदारीसाठी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सीनियर सेक्शन इंजिनियर बैकुंठ सिंग आणि रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर धनंजय दरगुडे यांनी दिली आहे। और देवलाली जो रास्ता है इसके अंदर से आर्मी की ओर आर्मी का एनिमेशन ले जाने के लिए ट्रेन का रास्ता रेलवे द्वारा दिया गया है। यह जो रोड है दो दिन के लिए, चूँकि नया CTR वर्क चालू है, इसके लिए हमें दो दिन के लिए रास्ता बंद करना है। हमें मालूम है कि आम पब्लिक को इससे दिक्कत होगी, लेकिन आर्मी भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसके लिए हमें रास्ता बनाकर रेलवे ट्रैक बनाकर देना है। जो आप लोगों को कमी हुई है, जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमने आर्मी से और लोकल अथॉरिटी से सभी से बात करके आपको आर्मी के थ्रू एक नई रास्ता जाती है, जो कि बहुत दिनों से बंद है, आर्मी के अंडर में है, वो रास्ता आप लोग के लिए प्रोवाइड किया गया है। असुविधा के लिए खेद है। आपल्या भगूरदेवळाली रोड मिलिटरी वर्कशॉप जवळील रस्ता 2 दिवस बंद करण्यात आला आहे। 30/7 ते 1/8 पर्यंत सकाळी 9 वाजेपर्यंत बंद असेल, तरी 2 दिवस लोकांनी आपली कामे डिस्टर्ब होणार याची काळजी घ्यावी आणि रस्ता लवकर सुरळीत चालू होईल। देवळाले कॅम्प भगूर रस्ता बंद ठेवण्यात येणार असून रेल्वे प्रशासनाच्या विनंतीमुळे आर्मी प्रशासनाने दिनांक 30/7/2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजेपासून ते सोमवार दिनांक 1/8/2022 रोजी सकाळी 9 वाजेपासून पर्यायी रस्ता म्हणून उमराव प्लाझा कॅन्टोनमेंट बोर्ड कार्यालयापासून पर्यायी रस्ता सुरू करून देणार आहेत। भैयासाहेब कटारे, दक्ष न्यूज, देवळाली कॅम्प, नाशिक।